अरे होना चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए। आई विल नॉट ग्रांट यू एनी टाइम। व्हाट आर योर राइट्स एंड लॉर्डशिप, आई एम ड्यूटीज? नॉट द वाकिफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, आई एम द प्रेसिडेंट बट आई एम नॉट द वाकिफ। कितने समय के लिए आपकी नियुक्ति होती है, क्या उसके वक्फ डीड के क्या क्या प्रोविजंस हैं, कुछ तो बताएंगे आप। लॉर्डशिप, व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज, आप पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे। माय नेम हैज बीन मेंशनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। नेम नेम मेंशन करने से होता, कल आप अपने नाम के आगे लिख लेंगे, आप हाई कोर्ट जज हैं, लॉर्डशिप जस्टिस लगा लेंगे तो आप जज थोड़ी ना हो नो, जाएंगे, जब तक लॉर्डशिप राष्ट्रपति महोदय आपके नाम का जो है वारंटी साइन करके भेजेंगी। लॉर्डशिप इस हाई कोर्ट की सबसे दूसरी बड़ी समस्या ये है कि दो सवाल पूछो आप लोग जो है टाइम मांगने लगते हैं। ये सबसे खराब प्रैक्टिस है हाई कोर्ट की। हाइप प्राप्त करके, हाइप करके ऑर्डर ले लेना शॉर्ट रन में अच्छा हो सकता है, बट लॉन्ग रन में मदद नहीं करेगा आपकी वकालत को। आप तो लगता है वक्फ स्पेशलिस्ट हो गए हैं। पहले 5 साल काफी काम किया। अच्छा, मुझे लगा कि आपने तो कहीं, दी आइटम नंबर 29, 29 में तो पूछा। आई एम 29। जी, व्हाट इज लॉर्डशिप, योर लोकस? लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट एन एक्सर्ट P2, P2 तो बाद में देखेंगे, दैट पहले इज द वामसी रिकॉर्ड लॉर्डशिप नहीं, पहले आप व्हिच ये, बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड इटसेल्फ, पहले ये इन बताइए, व्हिच माय आप नेम हैज बीन मेंशनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेड अंजुमन अहले इस्लाम। यू मे हैव बीन अ प्रेसिडेंट, अभी क्या आपने अपना लोकस बताया है? लॉर्डशिप 35 आई हैव क्लियरली मेंशनड दैट आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन अहले इस्लाम। वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम मैनेजमेंट कमेटी। लॉर्डशिप नाउ हाउ इट इज कनेक्टेड विद दिस? लॉर्डशिप आई हैव बिकॉज़ द इंप्यून्ड ऑर्डर हैज बीन द इंप्यून्ड ऑर्डर हैज बीन पास्ड एंड द कमेटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम हैज बीन डन। You are president. अपॉइंटेड you are president of that committee. लॉर्डशिप You have been removed. लॉर्डशिप ठीक है ना? लॉर्डशिप Who has removed you? Board by a resolution. लॉर्डशिप ठीक है? I have been removed by the impugned order. That is 5/10/2023. Annexure. Annexure P1 लॉर्डशिप। हाँ, वक्फ कमेटी, ये वक्फ बोर्ड का आदेश है ये, ठीक है? लॉर्डशिप इन्होंने कमेटी अपॉइंट कर दी, आप इसको चुनौती क्यों नहीं देते? लॉर्डशिप आई हैव चैलेंज्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। नहीं तो ये तो अपील है ना इसके तो, अगेंस्ट में, गठन के अगेंस्ट में। लॉर्डशिप आप इस ग्राउंड पर आए थे कि सीईओ को कोई अधिकार ही नहीं लॉर्डशिप है। देयर आर अदर ग्राउंड्स आल्सो इन माय हाँ पिटीशन। बताइएगा, अदर ग्राउंड भी बता लॉर्डशिप, दीजिए। फर्स्टली दैट आई हैव चैलेंज्ड दैट सीईओ इज नॉट कॉम्पिटेंट टू पास दिस ऑर्डर। सेकंडली लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट एन एग्जेक्ट P5, दैट इज द ऑर्डर पास्ड बाय द वर्क बोर्ड, दैट दैट इज एट पेज नंबर 39। लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट लास्ट 4 लाइन्स, दोनों अकाफ कमेटी के 11 अरकान अहले मोहल्ले से चुने जाएं और चुने हुए अरकान अपने में से ओहदेदारान का इंतखाब करें। व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज लॉर्डशिप, एज पर देयर ओन ऑर्डर द मेंबर्स और ऑफिस बेयरर्स ऑफ द वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम सुहागपुर विल हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोहल्ला। बट रिस्पोंडेंट नंबर 1280 का है ये तो, बट रिस्पोंड आपका आपका जो डीड है लॉर्डशिप क्रिएशन का, वो कहां पर है? वेयर इज द डीड ऑफ क्रिएशन ऑफ योर वक्फ? लॉर्डशिप दैट विल बी विद देम। लॉर्डशिप लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट सेक्शन 32 प्रोविजो, दैट डीड विल बी विद यू बिकॉज़ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द वक्फ, यू मस्ट बी हैविंग द डीड ऑफ योर क्रिएशन, दैट डीड विल डिटरमिन व्हाट आर योर राइट्स एंड लॉर्डशिप आई एम नॉट द वाकिफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, आई एम द प्रेसिडेंट बट आई एम नॉट द वाकिफ। व्हाट इज वाकिफ? वाकिफ इज द पर्सन हु हैज डोनेटेड हिज लैंड टू द वक्फ। लॉर्डशिप बट द पर्सन हु डोनेट्स अ प्रॉपर्टी क्रिएट्स अ वक्फ for the management of the property, it is a kind of trust which is entrusted with the responsibility to manage that property in terms of the will of the donor, that is the waqf, that is waqf, waqf, ठीक है? तो बताइएगा, तो आपको तो ये मालूम होगा कि उनकी क्या इच्छा थी, उनकी इच्छा के मुताबिक वक्फ को चलाना है। लॉर्डशिप एज पर लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट सेक्शन 32 सेक्शन फॉर अ मोमेंट। जी, ये तो बोर्ड के फंक्शंस हैं, हम आपसे आपके बारे में पूछ लॉर्डशिप रहे में हैं। काइंडली अप्रिशिएट द प्रोविजो पोर्शन, प्रोवाइडेड दैट इन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वक्फ द बोर्ड शैल एक्ट इन कन्फर्मिटी विद द डायरेक्शंस ऑफ द वाकिफ द पर्पस ऑफ द वक्फ एंड एनी यूसेज और कस्टम। वही तो हमने आपसे पूछा है, ये वाकिफ लॉर्डशिप की जो है क्या इच्छा थी? एज पर द ऑर्डर पास्ड इन 1980 80 इज नॉट एन ऑर्डर। Lordship, where is the Ichha Patra or the order of creation of Waqf by the Waqif or the... That is with the board, Lordship. But second thing is, Lordship, the person who has been appointed as the president of this particular Waqf, that is respondent number 4. ये तो election dispute है basically, कि आपको हटाकर दूसरे को appoint कर दिया गया है। इनको हटाए भी नहीं है।
लॉर्डशिप दैट कहीं नहीं, दैट पर्टिकुलर पर्सन ये अपने आप को प्रेसिडेंट कहीं नहीं, हमने स्पेसिफिक पैरानॉ में लिखा, उसका रिजॉइंडर भी नहीं दिया, पैरानॉ में लिखा फर्स्ट टाइम में हमारी कमेटी बनी, माय नेम हैज क्लियरली बीन मेंशनड इन देयर साइट आल्सो एज द प्रेसिडेंट, इट इज वेरी मच मेंशन पैरा 9, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द नर्मदापुरम वक्फ अंजुमन अहेले इस्लाम सोहागपुर नर्मदापुरम कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द रिस्पोंडर 4 बाय द बोर्ड इन इट्स मीटिंग डेटेड 24/9/2020 फॉर द फर्स्ट टाइम. Therefore, it cannot be said that the Pitisam was appointed as president of that committee. That's a कितने समय के लिए आपकी नियुक्ति होती है, क्या उसके वक्फ डीड के क्या क्या प्रोविजन हैं, कुछ तो बताएंगे आप. लॉर्डशिप, व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज, आप पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे. लॉर्डशिप, मैं आपको लॉर्डशिप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले ये बताइए कि वक्फ का गठन कब हुआ, वक्फ के गठन के समय क्या शर्तें थी, कितने समय के लिए एक बॉडी को कंटिन्यू करना था, वेदर बॉडी वॉज टू कंटिन्यू इन परपिचुटी. लॉर्डशिप, अपॉइंटमेंट ये ऑर्डर मैंने फाइल किया. सेकेंडली लॉर्डशिप, आई एम नॉट इन अ पोजीशन, सेकेंडली नहीं, फर्स्टली, वंस यू क्लेम एनीथिंग देन यू विल हैव टू शो दैट फ्रॉम व्हिच डॉक्यूमेंट योर राइट्स एंड लायबिलिटीज फ्लो. Lordship. So, to establish that you were the president of that Waqf and you were duly elected in the year 2012. Lordship, where are the proceedings of your appointment? Lordship, in the year 2012. Lordship, may kindly appreciate an excerpt P2. My name has been mentioned as the president of. Name mention करने से लगता है कल आप अपने नाम के आगे लिख लेंगे, आप High Court judge हैं. Lordship, justice लगा लेंगे तो आप judge थोड़ा ना हो जाएंगे. तब तक राष्ट्रपति महोदय आपके नाम का जो warranty sign करके भेजेंगे. Lordship, that site belongs to the Waqf, not to me. Lordship, we are not concerned with the site. I am asking you. Lordship, where is, you must be having an appointment order. Where is your appointment order? I'll bring that on record. I'll not bring on. Today the matter will be over. I'll not drag on the matter for indefinite period. इस हाई कोर्ट की सबसे दूसरी बड़ी समस्या ये है कि दो सवाल पूछो आप लोग जो है टाइम मांगने लगते हैं. ये सबसे खराब प्रैक्टिस है हाई कोर्ट की. आपको तैयारी होना चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए. आई विल नॉट ग्रांट यू एनी टाइम. लॉर्डशिप, इफ लॉर्डशिप, प्लीज शो मी दैट व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्क, हु हैज टू मैनेज इट, एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट बॉडी. Lordship, after the duration also as per work scheme, para 4-4, a person will manage... 4-4, बताइए, para 4-4 किसका? Of the work scheme, Lordship. कहाँ है work scheme? वही तो आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ. Annexure क्या है? Lordship. ऐसे कागज नहीं पकड़े. Lordship, that is work scheme. पहले यहाँ पर क्या, इस वक्त के जो क्रिएटर थे, उनकी क्या इच्छा थी महरूम की, वो बताना पड़ेगा, और उसके मुताबिक क्या क्या होना था वो बताना पड़ेगा आपको. Lordship, I am fairly submitting that I am not in a position of that waqfnama which has been created by the waqif. इसका कुछ हो नहीं सकता है. आपने जो पढ़ा ना 32-3, उसमें लिखा है where the board has settled any scheme for management under इतना और given any direction इतना इतना, any person interested or affected by such settlement or direction may institute a suit in a tribunal for setting aside such settlement or directions and the decision of the tribunal thereon shall be final. ठीक है. Lordship, but what my respectful submission is, if there is a violation of natural justice, and there is a violation of natural justice, तो जब आएगा, जब आप अपना right बताएंगे. Lordship, if भाई आप पहले अपना ये तो बता दीजिए कि आप वैधानिक रूप से नियुक्त हुए थे, नियुक्ति आदेश जब आप दिखाएंगे, तब आपका right आएगा. Lordship, if section 3K was considered, that is the 3K is different. 3K is different. 3K only talks about locus that any person interested in waqf can file a petition. Lordship. But here the question is different. Here the question is that you claim yourself to be the president of that Anjuman Waqf Trust, and your contention is that respondents while passing the impugned order have illegally removed you. So first of all, you are required to show your appointment order. Then only other questions will emerge. Lordship. Hype karke order le lena short run mein achha ho sakta hai. बट लॉन्ग रन में मदद नहीं करेगा आपकी वकालत को. ठीक है, अब क्या करेंगे? एडजॉर्नमेंट के अलावा और आपके पास क्या चारा है? तो विड्रॉ कर लीजिए प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड पिटीशन लगाने के लिए, या इसको मैं मेरिट पे लिखा के खत्म कर देता हूँ. आई विल विड्रॉ इट विद द लिबर्टी टू फाइल द प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड पिटीशन. लिखिएगा श्री.
अकमील नासिर, आप भी यही करेंगे राजमणि मिश्रा साहब? पार्लर में प्लीज अप्रिशिएट कर देना जी, क्या हो गया? कुछ बोले, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट दैट इज एन एक्स्ट्रा देखेंगे सर, फिर आपका लेते हैं केस 29 में लिखिएगा, श्री तकमील नासिर आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम एंड अनेबल टू शो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द पिटिशनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम मैनेजमेंट कमेटी सुहागपुर प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन विद लिबर्टी टू फाइल अफ्रेश विद कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शोइंग हिज अपॉइंटमेंट लोकस एंड ऑल्सो द कॉपी ऑफ द वक्फ डीड ऑन द बेसिस ऑफ विच वक्फ वॉज क्रिएटेड इन अबव टर्म्स पिटीशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन विद द अफोरसेड लिबर्टी मैं मेक अ सबमिशन stand vacated. Yes. I make a submission. Yes. Lordship, they may kindly be directed that to supply the document to me. I will file the RTI, but that RTI was not provided by the board. आप ले लीजिएगा, चलिए Lordship.